पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की हालत ठीक उसी तरह से है जिस तरह दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती, क्योंकि अब पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ चल रही सियासी हवा इतनी गर्म हो चुकी है कि इमरान का कुर्सी बचा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। इमरान सरकार के एंड गेम को समझने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान की संसद का लेटेस्ट नंबर गेम समझना होगा। पाकिस्तान की संसद में 342 सीटें हैं, यानी इमरान को सरकार में बने रहने के लिए चाहिए 172। कुछ दिन पहले तक उनके पास इससे ज्यादा ही थी, लेकिन इमरान के सांसदों की बगावत हुई और सारी की सारी बाजी पलट गई। इमरान सरकार संकट में आ गई। फिलहाल इमरान की पार्टी पीटीआई के पास अभी कुल 155 सांसद हैं। इसमें सहयोगी दल जो है पीएमएलक्यू के 4 हैं, जीडीए के 3 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एएमएल के 1-1 सांसद हैं, जिससे यह संख्या होती है 164, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन को देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएलएन वो 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर बेनजीर भुट्टो की पीपीपी जिसके पास 56 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर फजलुर रहमान की पार्टी एमएमए जिसके पास 15 सांसद हैं। इसके अलावा इमरान का साथ छोड़कर गए एमक्यूएम के सभी 7 सांसद विपक्ष से मिल गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 4 सांसद भी विपक्ष की तरफ चले गए हैं और 11 अन्य सांसद ऐसे हैं जो विपक्ष का साथ दे रहे हैं। इन सबको मिलाकर विपक्ष की संख्या हो जाती है 177, यानी बहुमत से 5 सांसद ज्यादा। अब कुर्सी बचाने के लिए इमरान ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो यह इमरान का आखिरी ओवर है और वो 6 गेंदों में से 4 गेंदें फेंक चुके हैं जबकि 2 गेंदें अभी बाकी हैं। इमरान ने अपनी चिट्ठी के जरिए विदेशी ताकतों की साजिश का दावा किया। 27 मार्च को रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद 29 मार्च को पंजाब प्रांत में सीएम बदला और आज पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा से मुलाकात की। अब बचे हुए ओवर में इमरान किस तरह की गेंद डालेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। नो बॉल की गुंजाइश नहीं है, 2 गेंदें हैं उनके पास। माना जा रहा है कि इमरान अपनी हार का नतीजा अब बदल नहीं पाएंगे। हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल 22 करोड़ आवाम का मुकदमा है। इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। पाकिस्तान की सियासत में आज लगभग ये तय हो चुका था कि प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी छिन जाएगी और वो पूर्व प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। माना जा रहा था कि इमरान की विदाई भाषण की स्क्रिप्ट एकदम तैयार है। बिलावल भुट्टो बहुमत का आंकड़ा दिखाने को बेताब थे। शहबाज शरीफ को पीएम बनने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी सियासत के इस सीन में अचानक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एंट्री हुई और इमरान का भाषण टल गया। पाकिस्तान की सियासत में आज का घटनाक्रम देखिए। दोपहर करीब 3 बजे खबर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करने वाले। इसके कुछ देर बाद पाकिस्तान की मीडिया से खबर आई कि इमरान खान प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफे की अफवाह सुनकर इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी का बयान आया कि इमरान आखिरी बॉल तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। इन सब उठा पटक के बीच सबसे खास बात ये हुई कि आर्मी चीफ कमर बाजवा और ISI के DG नदीम अंजुम इमरान खान से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद सियासत की पिच पर गेंदें कुछ इस तरह स्विंग हुई कि इमरान खान का राष्ट्र के नाम संबोधन टाल दिया गया। तब से इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से ऐसा क्या कहा कि इमरान खान का इस्तीफा टल गया। पाकिस्तान में इमरान सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले एक और झटका लगा है। सहयोगी पार्टी MQM ने विपक्ष से हाथ मिला लिया। MQM के 2 मंत्रियों ने पाकिस्तान के फेडरल कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। MQM के जाने से इमरान सरकार की 7 सीटें और कम हो गईं। कुर्सी गंवाने की उल्टी गिनती के बीच इमरान खान ने एक और नई चाल चली। इस बार इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेताओं को पैगाम जारी किया, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के सभी सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन या तो गैर हाजिर रहेंगे या फिर वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। पार्टी की तरफ से तय किए गए नेता ही अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बहस में हिस्सा लेंगे। चिट्ठी में सख्त निर्देश है कि पार्टी का कोई भी नेता अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं देगा और न ही दूसरी पार्टी का समर्थन करेगा।
आगे जो इवेंट्स इंशाल्लाह होने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इन्हीं लोगों का है जो कि सिंध में बैठे, इनको पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। बहरहाल मैं उस पे क्या हुई है जो उसकी थोड़ी तफसीलात बता दो। दो दफा हुई है आर्मी चीफ खुद आए थे। देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हमारा जो मुद्दा है, हम एक बड़ी हमारी एक वाज़ह लाइन है, हमारी लाइन ये है पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का इस्तेहकाम की जामन है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जामन है। हम पाकिस्तान की फौज उसकी क़यादत उसका जो एहतराम है उसकी जो एक कह लीजिए कि उसका जो एक मुकाम है उसको हम पूरा रिकग्नाइज करके इस इमरान खान का एक ही तो एडवांटेज है। इससे पहले जो भी हमने देखा नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम था, इदारों को फतह करने के चक्कर में रहते थे, हम इदारों के साथ मिलकर काम करने को जो है वो अपना समझते हैं, मुद्दा समझते हैं और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। सर मामला वोटिंग तक जाएगा जहन में है, देखते हैं। और एक बात, डिजाइन का ऑप्शन जो है वो कोई जहन में नहीं। सत्ता के नंबर गेम को देखकर साफ है कि इमरान की विदाई तय है, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि इमरान खान सेना की मदद से इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष की सारी तैयारी और सत्ता में आने का सपना चूर चूर हो जाएगा। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार गिराने के पीछे विदेशी षड्यंत्र है और वो एक चिट्ठी के जरिए आज इसका खुलासा करने वाले थे, लेकिन यह खुलासा भी आज टल गया। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। जब तक इमरान ऑफिशियल रूप से पीएम की कुर्सी से नहीं हटते तब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ बड़ी शराफत से विपक्ष की आवाज बुलंद करते रहेंगे और तब तक ये देखना होगा कि इमरान खान की अगली चाल क्या होगी, वो आउट होंगे या सेना के दम पर मैच ड्रॉ करवा लेंगे। आज तक ब्यूरो।